तो गाइस क्या आप भी हो चुके हो परेशान इस घिसे पीटे पुराने वाले जो मोबाइल फ़ोन में आप सबको इंटरफेस मिलता है, जो कि बैक बटन, होम बटन जो भी है, आप सब इसे चेंज करना चाहते हो और कुछ ट्रेंडिंग अपने फ़ोन में करना चाहते हो, तो मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि फ़िलहाल इस समय उसका ट्रेंड चल रहा है। हर कोई उस चीज़ को जानना चाहता है और यूज करना चाहता है, क्योंकि वो यूज़ करने में भी आसान है और देखने में भी प्रोफेशनल लगता है। जैसे कि आप सबको यहाँ पर पुराने सिस्टम में जो आता है, जो बैक बटन वगैरह आप सबको नीचे में तीन दिखाई दे रहा है, आप इसे अगर हटाना चाहते हो और अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल फुल स्क्रीन करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आप सभी को भाई एक ऐसा ट्रिक लेकर आ चुका है जिसके वजह से ये जो नीचे के तीन बटन दिखाई दे रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। और गायब होने के बाद अगर आप सभी को कोई भी चीज़ अगर यूज कर रहे हो अपने फ़ोन में और उस चीज़ से अगर आप सभी को बैक आना है, तो आप सभी को बैक आने के लिए क्या करना होगा कि लेफ्ट और राइट स्लाइड करना होगा, जैसा कि आप सब इस वीडियो में यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो इस प्रकार से ऐसा मैं सेटिंग बताने वाला हूँ कि आप सभी का फ़ोन बिल्कुल फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इस सेटिंग के बाद आप सभी का फ़ोन लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी का जब डिस्प्ले फुल स्क्रीन हो जाता है ना, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। और आप सभी को मैं जैसा बैक बटन आप सभी को बताने वाला हूँ, उससे आप सभी को मोबाइल फ़ोन को यूज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेने वाला और मैं चलता हूँ डायरेक्ट अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और आप सब जैसे जैसे मैं सेटिंग करूँगा आप सब अपने फ़ोन में उसी प्रकार से जाकर करिएगा, और सेटिंग करने के बाद आप सभी को कुछ नया ट्राई करने को मिल जाएगा आप सभी के अपने फ़ोन में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा ट्रिक है जिसके वजह से आप सभी का नीचे का ये पुराना वाला बैक बटन बिल्कुल गायब हो जाएगा। और ये नहीं, गायब ही नहीं हो जाएगा, बल्कि आप फिर चाहोगे तो इसे वापस भी ला सकते हो। बट ये गायब करने का मतलब कि आप ये मत सोचिएगा कि डिलीट ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब चाहो इस पुराने वाले सेटिंग को कर सकते हो, आप लोग जब चाहो अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उस सेटिंग को कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा सेटिंग है। तो गाइज आपको अपने फ़ोन का सेटिंग्स ओपन कर लेना होगा एंड उसके बाद आपको अपने फ़ोन में होम स्क्रीन वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना होगा। तो ये रहा होम स्क्रीन वाला ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड इसके बाद आप सभी को सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आप सभी को साइड में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद नीचे में आप सभी को लर्न का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को ये फ़ोन बताएगा कि इस सेटिंग पर आप सभी को फ़ोन कैसे यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे से आप सभी को स्लाइड करने के लिए, तो इस प्रकार से करते हैं तो आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद नीचे से उठा करके कुछ देर तक यहाँ पर प्रेस करते हो तो आप सभी का जो भी पेज खुला रहेगा आपके फ़ोन में वो दिखाई देगा। अब ये आपको साइड से स्लाइड करने के लिए बोलेगा। अगर आप साइड से स्लाइड करते हो तो आप जिस भी पेज पर हो उस पेज से आप एक स्टेप पीछे आ सकते हो, तो ये साइड से आप बैक आ सकते हो। तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है, आपको इस प्रकार से अपने फ़ोन को यूज करना है, आप इस प्रकार से बैक आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नीचे में तीन बटन दिखाई दे रहे थे पहले, अब यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब आप उस बटन को लाने के लिए दोबारा से आप सेटिंग पर जाकर होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पर आप सभी को चले जाना है। इसके बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद बगल में आप सभी को बटन्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही आपका नीचे में तीन बटन आ जाएगा। अब आप पहले जैसे बैक कर पाते थे उस प्रकार से कर पाएंगे। तो गाइस आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। आप सभी को ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, एक नॉलेज फुल वीडियो के साथ, एक और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।